हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज जो अपडेट लेके आया था वो बैंक पे लेके आया था, निफ्टी बैंक पे लेके आया था। आज 26 अप्रैल है और बैंक निफ्टी अच्छे खासे पॉइंट से आपको 452 पॉइंट से ऊपर की ओर जाते हुए दिखाया है। जहाँ वो ओपन हुआ था 29,764 पे, हाई लगाया 30,000 का और लो लगा था 29,563 का, और 30,000 पे क्लोजिंग देता 500 पॉइंट का था, बहुत अच्छा पॉइंट। लेकिन ये सिर्फ जो है ये एक दिखावा है, ये कहीं ना कहीं आपको 30-300 तक जाता हुआ दिखेगा और वहाँ से आपको नीचे की ओर आते हुए दिखेगा, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। बैंक निफ्टी पे 29,900 या 30,000 का पुट का पोजीशन होना है, अच्छा रहेगा। 9 मई की एक्सपायरी का आप 30,000 का पुट ले सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। फिर भी चलें आगे देखें क्या हुआ। तो आज एडवांसेस 11 था, डिक्लाइन एक था। जो डिक्लाइन था वो कौन था? IDFC फर्स्ट बैंक था। और जो गेनर में अच्छे कौन थे? तो ICICI था, जो 407 क्रॉस किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं 415-420 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। एक्सिस बैंक 16 रुपये का गेन, 757 पे। SBI, PNB, कोटेक बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडस्ट्रियल में HDFC, यस बैंक देखेंगे 237 पे क्लोजिंग दिया है, तो कहीं ना कहीं ये 240 का हाई बनाने के बाद 237 दिया है, तो इसको 245 पे ही रेसिस्टेंस है। अगर 245 ये क्रॉस करता है तो 260 की ओर आपको जाते हुए दिख जाएगा। तो यस बैंक पे वॉच लिस्ट रखे, 248 के पास वो वापस जाकर नीचे आ जाता है। अगर पोर्टफोलियो की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम, तो जो परफॉर्मेंस की बात करें, तो अगर वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में जो सबसे अच्छा फेडरल बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI, RBL बैंक ने किया है। और सबसे ख़राब जो परफॉर्मेंस किया है, यस बैंक ने 11% से किया है, इंडसलैंड बैंक ने 5-5। अगर वीकली बेसिस की बात करें, ICICI बैंक ने 0.09, तो ICICI बैंक कंटिन्यू आपको देखेंगे रिटर्न दे रहा है। आप किसी भी पोजीशन पे खड़े होंगे तो आपको रिटर्न मिल रहा होगा। SBI भी वहाँ पे आपको रिटर्न देते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे IDFC बैंक पे आपको निगेटिव दिख रहा है यहाँ पे। और वीकली बेसिस पे देखेंगे तो यस बैंक में, इंडसलैंड बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा में और PNB में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, IDFC बैंक में भी। डेली बेसिस पे चलें तो अब सबसे अच्छा जो चला है ICICI, एक्सिस बैंक और SBI चला, और IDFC बैंक में निगेटिव चला है, यस बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव चला है, फेडरल बैंक थोड़ा सा चला है। ऊपर से जो देखेंगे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI, पंजाब, कोटेक बैंक, ये सब अभी भी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हो सकता है अभी भी आपको नेक्स्ट वीक परफॉर्म करते हुए आपको दिख सकते हैं, कोई बड़ी सरप्राइज नहीं। अगर टेक्निकल रिकमेंडेशन की बात कर लें आवरली बेसिस पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप कोटेक, ICICI, HDFC में बाई का रिकमेंडेशन, एक्सिस में भी बाई का रिकमेंडेशन है आवरली बेसिस पे, बाकी यस बैंक में सेल का है और IDFC बैंक में सेल का रिकमेंडेशन है आवरली बेसिस पे। इनफैक्ट यस बैंक में डेली बेसिस पे भी सेल का है, मंथली पे भी सेल का है, वीकली पे न्यूट्रल है, तो आवरली बेसिस पे सेल का रिकमेंडेशन है। तो थोड़ा सा वॉच लिस्ट लगे, 245 पे जाकर रेसिस्टेंस आता, वो बहुत नीचे नहीं जाएगा, वापस आपको 200 की ओर मिलता है, 205-210। तो अच्छा पैटर्न, आप इसको एक्यूमुलेट करें, ये आगे आपको 290-310 तक जाए तो कोई सरप्राइज नहीं देगा। एक अच्छा स्क्रिप्ट है, इसको पोर्टफोलियो में होता है, रखेंगे तो अच्छा रहेगा। निफ्टी बैंक जो दिख रहा है आपको अभी, यहाँ से जो ये फॉल पैटर्न था, यहाँ के बाद ये ऊपर ले लिया है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर लिया है, 30,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो क्लोजिंग दिया है 30,013 पे है इसका, तो ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है 30,300 की ओर जाए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको 30 अगर आवर्ली बेसिस पे देखें इसको, तो 30,125 बता रहा है। अगर यहाँ से देखें आवर्ली बेसिस पे, तो एक इनडिसिजिव पैटर्न बना है, इनडिसिजिव, यहाँ से ये अप लिया है, तोड़ा है इसको, 29,785 का स्टॉप लॉस लगा लें ऊपर की ओर जब अगर पोजीशन हो, तो अगर आपको ऊपर की पोजीशन पर रखनी है तो 29,785 का आपको स्टॉप लॉस लगा लें। अगर आपको लगता है कि मार्केट एकदम 30,000 से ऊपर जाना है, 31,500 अभी ही पहुंचने वाला है, तो आप 29,785 का स्टॉप लॉस लगा लें। और अगर आपको लगता है वीकनेस है मार्केट का, तो वापस आपको जो इसका हाई बना हुआ है, आप इसके जो हाई पे हैं उस पर आप वहाँ पर आप चाहें तो इसको वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन कभी 30,500 जो है उसका, एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी था, निफ्टी में देखेंगे तो ये 6 टाइम अटेम्प्ट कर रहा था, ये आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 टाइम अटेम्प्ट करने के बाद ये 7वीं बार ब्रेक किया था। तो जिस समय वो अपने हाई 30,500 को क्रॉस करेगा इस बार जब भी, तो कहीं ना कहीं आपको 31,500 की ओर, 30,900 और फिर 31,500 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। निफ्टी में देखें तो ये ऑलरेडी अपने हाई को बनाया, फॉर्म किया था, यहाँ पे पहले डबल टॉप था,
यहीं पे से इसको रिटर्न आता था, बार आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर गया तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं 11850 की ओर उसको रेजिस्टेंस मिलेगा और वो फिर नीचे की ओर आ जाएगा। अभी निफ्टी की बात करें तो बैंक, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जैसे ही यहाँ पे आपको 11000 क्रॉस करते समय आपने देखा होगा 11000 क्रॉस 6 अटेम्प्ट लिया था, तो वैसे ही शॉर्ट टर्म में आपको बैंक निफ्टी 30500 को क्रॉस इतना जल्दी से करते हुए आपको नहीं दिखेगा। वो आपको 30500 क्रॉस बार बार ऊपर की ओर जाएगा और ये जो लेवल है 30684 का जो इसका है उसको ऊपर लेगा, ऊपर लेते हुए 30684 की पोजीशन क्रॉस करेगा, लेकिन दो तीन बार इसमें अटेम्प्ट लेगा, ऊपर जाएगा फिर से नीचे की ओर जाएगा, तो 30600 से हो सकता है ये आपको रिटर्न बार बार दिखाएगा। लेकिन जिस समय एक बार भी जिस समय इसको आपको ये क्रॉस कर दिया 30600 का, तो वहां से आप ये मान के रखना कि ये आपको 31500 की ओर जाता हुआ दिखाई दे देगा, ये व्यू रखना। लेकिन अभी आप सोचेंगे सब तो बात एक ही साथ बता दिया तो क्या करना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर की ओर जो गुंजाइश है थोड़ा सा कम है, नीचे की ओर 2700 का दायरा खुला हुआ, 27000 का दायरा खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको पुट पे अच्छा पोजीशन मिलने को आपको फायदा हो सकता है रेदर देन कॉल की ओर। तो निफ्टी बैंक में यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है ऊपर जाने का, यहाँ पे भी इसको 300 और वहां से इस कैंडल को पार करें तो बहुत ज्यादा है, और नहीं तो 30500 से आपको नीचे की ओर वापस आते हुए दिखेगा निफ्टी बैंक आपको। अगर इसका आवरली बेसिस पे, ये आवरली बेसिस पे या इसको डेली बेसिस पे इसका मूविंग एवरेज देखने की कोशिश करें तो ये सारे मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करते हुए आपको दिख रहा है डेली बेसिस पे, और अगर एक बार वीकली बेसिस पे भी देख ले मूविंग एवरेज तो जस्ट जो यहाँ ये सपोर्ट लेकर के गया था 29500 से सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर पैटर्न बनाया है, आप देखेंगे वीकली बेसिस पे तो ये फॉल हो रहा था, ये ऊपर की ओर लिया है, कहीं ना कहीं ये ऊपर की ओर एक बार आपको जाएगा, और कहाँ तक जा सकता है तो 30500 तक जा सकता है, इससे ऊपर जाएगा नहीं। तब 29500 पे आपको सपोर्ट है तो आप 29500 पे, और इसका आप देखेंगे 9 डेज का इसका मूविंग एवरेज 29416 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 29416 अगर तोड़ता है तो आपको ये आराम से नीचे की ओर आते हुए दिखेगा 28400 की ओर। तो अभी ये बार बार क्या कर रहा है, ये इसको सपोर्ट ले रहा है, 9 डेज के डेमो को सपोर्ट लेते हुए काम कर रहा है, तो आप भी इसको 29500 का सपोर्ट ले लीजिए। लेकिन अच्छा रहेगा अगर आपको इसको डेरिवेटिव में एक बार चेक करने की कोशिश करें वो क्यों हो रहा है, इंडिया विक्स को भी अगर देख लें जो कि जिससे कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये नीचे की ओर आ रहा है और ये एक बार 20 तक जा सकता है तो मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। क्रूड में भी देखेंगे तो ये ऊपर टच कर लिया है, ऊपर टच के अब नीचे की ओर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको भी यहाँ पे भी आवरली बेसिस पे देखने की कोशिश करें, तो आवरली बेसिस पे यहाँ पे फॉल हुआ, इंडिसिसिव कैंडल बना, फिर यहाँ पे नीचे की ओर बना रहा है, तो हो सकता है कि आपको नीचे 450 तक जाते हुए दिखे, फिर वहाँ से ऊपर बाउंस लेता है तो रिवर्सल पैटर्न आपको बनने को दिख सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डोजी पैटर्न बुलिश डोजी स्टार का बना है, यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न शो हो रहा है, तो अगर ये क्रूड ऊपर की ओर ले रहा है तो वापस आपको 4700 की ओर जाते हुए दिखेगा। आगे जब मार्केट गिरेगा तो क्रूड 400-700 की ओर आपको जाते हुए दिखेगा, तो कोई सरप्राइज नहीं है। तो अगर डेरिवेटिव में एक बार बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो 30000 पे क्लोजिंग हुआ है, 2 मई का हम देख रहे हैं एक्सपायरी 2 मई का ले रहे हैं, 26 अप्रैल का है, ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है, तो 30000 के एक लेवल को अगर देखें एट द मनी देखें तो कॉल वॉल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जो भी पोजीशन बन रहे थे या अनवाइंडिंग हो रहे हैं पोजीशन, और कहीं ना कहीं ये 30100-200-300 तक प्राइस सेक्शन आपको, इनफैक्ट 30400 तक प्राइस सेक्शन पॉजिटिव है, और 30500 से इनको शॉर्ट की पोजीशन बनानी चालू कर दी है, मीन्स इनको मालूम है कि 30500 पहुंचना नहीं है, और पोजीशन आप देखिए जो ऊपर की ओर बन रही है तो अच्छी पोजीशन 30100 और 30200 पे बन रही है, उसके अलावा ऊपर जो देखेंगे 100 और 30400 तक केवल 100 बाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको जो पोजीशन अच्छी दिख रही है वो 113000 का 30200 पे दिख रहा है, जो कॉल की ओर ऊपर मान रहे हैं, ऊपर की ओर बहुत छोटा पॉइंट है, नीचे में जहाँ सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन हो रहा है आप देखेंगे तो वो यहाँ पे हो रहा है पुट की ओर, तो अगर 30000 का पुट देखेंगे आज लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसकी 155 है, तो अगर आप इसको लेते हैं या इससे भी नीचे ले लीजिए 29900 का ले लीजिए, या आप उससे भी छोटा ले लीजिए 29500 का ले लीजिए,
29,500 का अगर आप लेते हैं पुट, तो 29,500 का आपको सिर्फ मिलता है यहाँ पे आपको 40 रुपये के आसपास मिलता है। यहाँ पे सेलिंग क्वांटिटी जब बाई ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बन रही है, इसका मतलब है यहाँ पे अब कोई भी इतना सेल करने को तैयार नहीं है, अब लोग बाई कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे पोजीशन जो उल्टी बनेगी, अब लोग कहीं ना कहीं इसमें बाइंग पोजीशन पे खड़े हैं। एट द मनी खरीदना अच्छा होता है कि एक्सपायरी भी है, अगर नहीं गया उतना नीचे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप एक वो मान लीजिए 29,900 का 115 रुपये पर मिल रहा है, आप उसी को बाय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नीचे जो है इसको 29,800 पे सपोर्ट, 4,47,000 का सपोर्ट भी दिख रहा है, और 29,700 पे 4,47,000 का है, 29,500 से नीचे जाना नहीं है इसको, 6,79,000 का क्यूमुलेटिव है, तो 29,500 ब्रेक करना नहीं है। और ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में कहीं ना कहीं इसको 30,500 पे 4,92,000 का इसको रेसिस्टेंस है। तो 29,500 से लेकर के 30,500 के रेंज में ये वीकली एक्सपायरी आपको नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग कर देगा पूरा 2 मई तक। तो आप अगर इसको लेते हैं तो 30,200 की ओर जब जाएगा मार्केट, जब मंडे को खुलेगा तो ऊपर की ओर जा सकता है। तो आपकी जो वैल्यूएशन है ये 30,000 का जो 155 में मिल रहा है, आप 30,000 की कॉल को एक बार पुट को देख लेते हैं एक बार, ये 30,200 का पुट है, 30,000 का है, जो कि आपको यहाँ पे यहाँ पे अच्छा पोजीशन 30,000 पे अच्छा पोजीशन बन रहा है। आप इसे पुट पे बाइंग बन रही है 68,000 की और सेलिंग 48,000 की, तो आप यहाँ पे देखेंगे हाई ये 443 का ऑलरेडी ये लगाया था, तो 155 का है, तो ये आपको वापस हाई 447 की ओर जाते हुए दिख सकता है। तो आपको पुट पे 30,000 ये हो सकता है कि आपको वहाँ से 100 रुपये के अंदर मिल जाएगा, आपको 85-90 में मिल जाएगा। लॉट होता है सिर्फ 20, 1500 से 1600 रुपये आपको लगेगा, और 101 का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो मेरे अंदाज से यहाँ पे 30,000 का पुट, क्योंकि ये विक्स जा रहा है, अब देखिए विक्स क्या कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, 20 का विक्स है वापस ऊपर ले लेगा यहाँ से 25 की ओर, तो ये जब जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ से विक्स वापस ऊपर की ओर ले लेगा, तो जब यहाँ से ऊपर लेगा तो मार्केट वापस नीचे की ओर गिरेगा। तो मार्केट ऊपर जाने की जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ से और 20 पॉइंट है, 1 पॉइंट विक्स का है, मार्केट 1 पॉइंट बढ़ेगा तो हो सकता है निफ्टी बैंक आपको यहाँ पे 100-150 पॉइंट ऊपर की ओर जाते हुए दिखे। तो जैसे ये ऊपर जाए तो आपको नीचे पुट का पोजीशन बना लीजिएगा, 29,500 तक का आपको पोजीशन आ जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। किसी कारण से ये 29,450 जो आपको बताया वो तोड़ता है, तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे 29,450 का जो इसको सपोर्ट है, 29,416 का जो सपोर्ट है, अगर ये तोड़ता है तो आपको 28,500 की ओर आते हुए दिखेगा, ये 28,419 की ओर दिखेगा। तो आपको वहाँ अगर पुट का पोजीशन है तो आपको अच्छा फायदा होगा, और नहीं तो एक काम कर सकते हैं कि आप इसको भी देख वाच पे रखिए, और एक 9 मई के पुट को भी आप देखिए इसको, अगर आप देखना चाहें तो 2 मई का हो गया, आप चाहे तो 30 मई का पुट आपको महंगा मिलेगा आपको, लेकिन 30 मई का भी 30,000 को पुट देखिए तो आपको 824 के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर 9 मई का पुट देखें तो 9 मई का 30,000 का पुट आपको मिल रहा है 277 में, ये कहीं ना कहीं आपको 150 रुपये में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे आप इसको 9 मई का पुट को पोजीशन में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 9 मई का पुट पोजीशन बनाइए, पुट पोजीशन की ओर जाता हुआ दिखता है, बनाने की मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बनाइए, मैं कोई आपका लॉस होगा गेन होगा वो आप लॉस कीजिएगा, तो मेरी कोई आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं, पेपर ट्रेड कीजिए, बाय मतलब यहाँ पे पेपर ट्रेड करके देखिए आप, 30,000 का पुट 2 मई, 9 मई, 30 मई किसी का भी पेपर ट्रेड कीजिए। और जैसा आपको बोला था हर 500 पॉइंट पर डिप के बाद आपको एक और एवरेज करना है, तो उस तरह से आप नीचे की ओर एवरेज कीजिएगा, नहीं एक के बाद अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब मेरी पुरानी जाकर के देख लीजिए जो स्ट्रेटजी है कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, मिनिमम आपको 3 लॉट लेना है, और कैसे लेना है आपको 500 डाउन होते हुए लेना है, पुट की ओर रहना है तो हर 500 डाउन के बाद 500 नीचे की ओर जाना है, आप वो स्ट्रेटजी देख लीजिए, पुरानी वीडियो निफ्टी बैंक देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। उस तरह से आप इसमें ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आपको फ़ायदा दिखेगा आपको। तो बैंक निफ्टी में अच्छा है, 300 तक तो जाता हुआ दिखता है, जाने दीजिए, हम पुट का पोजीशन पेपर ट्रेड करके देखते हैं क्या फ़ायदा होता है क्या लॉस होता है। मेरा वापस आपको बोलता हूँ कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, ये मेरा डिस्क्लेमर है। मेरा सिर्फ यहाँ पे जो है ओपिनियन है, व्यू है कि ऐसा हो सकता है, पैसा आपका है, ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।